थलपति विजय की 68वीं फिल्म दी ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ दी टाइम, जिसे दी गोट के नाम से भी जाना जाता है, और ये थलपति विजय के कैरियर की सेकंड लास्ट फिल्म है। और फिर इसके बाद थलपति विजय जो कि 69 करके ही मानेंगे। अरे यार, मेरा मतलब ये है कि थलपति विजय इसके बाद अपने कैरियर की 69वीं फिल्म करके ही मानेंगे। तो फाइनली थलपति विजय की 68वीं फिल्म दी ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ दी टाइम, जिसको मैंने देख लिया है। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कि आखिरकार ये फिल्म कैसी है। दी ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ दी टाइम फिल्म जो कि थलपति विजय के कैरियर की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में पूरे 400 करोड़ का खर्चा किया गया है। और थलपति विजय की इस फिल्म को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के अंदर थलपति विजय जो स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अंदर काम करते हैं, जिनका नाम होता है गांधी, और वो ऑपरेशन के वक्त अपने एक्शन से लाते हैं आंधी, क्योंकि इनके साथ में इनके तीन दोस्त और होते हैं, सुनील, कल्याण और अजय, जो कि इनकी ही टीम का हिस्सा होते हैं। दी गोट मूवी जो एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इसलिए इस फिल्म के अंदर VFX, AI और जमकर एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं, और इसी के साथ साथ इस फिल्म को मास मसाला वाली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस फिल्म की कहानी गांधी पर टिकी रहती है, लेकिन एक मिशन में गांधी के परिवार के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी का पूरा परिवार टूट जाता है। फिर इसके बाद गांधी जो अपने काम को छोड़ देता है, फिर काफी लंबे समय के बाद एक मीटिंग के दौरान एक पुरानी दुश्मनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमें फिल्म के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। और फिर इस ट्विस्ट के बाद गांधी जो कि दोबारा से अपने टेररिज्म स्क्वाड को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसको ज्वाइन करने के बाद भी सब कुछ उसके फेवर में नहीं होता है, और इन सभी के पीछे वो बड़ा ट्विस्ट ही रहता है। और इस ट्विस्ट को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस फिल्म के अंदर हमें थलपति विजय के 4 किरदार दिखाए जाते हैं, जिनको फिल्म के अंदर काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इन 4 किरदारों में विजय की एक्टिंग को देखकर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ही उन्हें थलपति नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन 4 किरदारों की एक्टिंग। और इस फिल्म में एक बड़े ट्विस्ट के साथ एक छोटा ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में शायद आपको पहले ही पता चल जाएगा। और इस फिल्म के अंदर थलपति विजय का स्वैग, उनका अंदाज, उनका एक्शन, उनकी एक्टिंग को देखकर आप उनके दीवाने हो जाओगे, क्योंकि यार ये बंदा 50 साल की एज में भी इतना भयंकर एक्शन कर रहा है, और एक साला हमें जो 25 साल की उम्र में भी बुढ़ा गए हैं। देखो यार, इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरीके से बुना गया है, तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, लेकिन अगर आप इस तरह की ही फिल्में देखते हो तो ज्यादातर कहानी आप पहले ही समझ जाओगे कि जैसे कि इस तरह की फिल्मों में कोई खास अपना ही एक एजेंट जो कि गद्दार होता है, और वो ही इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड रहता है। बस ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म की कहानी के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसका ट्विस्ट फिल्म के एंडिंग में जाकर खुलता है। और इस फिल्म के अंदर आपको कॉमेडी भी ठीक ठाक मिलती है, जहाँ पर एक सीन में थलपति विजय जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर लटक रहे होते हैं, तभी उनकी बीबी का कॉल आता है और वो उनसे 1 किलो टमाटर, दाल और शक्कर लाने के लिए नोट करवाती है। और फिल्म के अंदर इस सीन को देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर इसके बाद एक और सीन जहां पर थलपति विजय कहते हैं कि मुंह में है ना, यार ये कमाल का कॉमेडी सीन था। और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर एक जगह पर थलपति विजय की एक्टिंग को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, यानी इस फिल्म के अंदर आपको दमदार कॉमेडी, जबरदस्त एक्शन के साथ साथ इमोशनल का भी डोज देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस फिल्म की एंडिंग में आपको कुछ कैमियो सीन देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और इस फिल्म में फैन सर्विस भर भर कर डाला गया है, जिसे देखते वक्त आप काफी ज्यादा इंजॉय करोगे। खासकर एक सीन स्टेडियम वाला, जहाँ पर संजय जो कि गांधी के मजे लेते हुए नजर आता है। यानी टोटल मिलाकर बात यह है कि थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ द टाइम फिल्म, जो कि आपको हमेशा तो याद नहीं रहेगी, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। पूरे 3 घंटे की ये फिल्म जो कि आपको भरपूर इंटरटेनमेंट करेगी, तो जाओ जाकर थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ टाइम फिल्म को देख कर आओ। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। कि मुंह में है ना यार ये
हैं।